के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आदेश गुप्ता का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सामने आया है। बता दें दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को उन्हें फिलहाल ये प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव अब प्रारंभिक तौर पर टेम्पररी तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तत्काल प्रभाव से नियुक्ति लागू की गई। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, क्या मायने निकाले, इस्तीफा दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने, आदेश गुप्ता का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से सामने आया है। देखिए दीपक, अभी एमसीडी के चुनाव परिणाम आए हैं और एक अच्छी हार भी हुई है वहां पर। हालांकि जिस तरह का परफॉर्मेंस होने चाहिए था देखने को नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी ये समझा होगा खुद अपने आप, उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि चर्चा भी थी कि इस्तीफा ले लिया जाता और देन लेने से पहले इस तरह इस्तीफे होते रहते, लेकिन ये दीपक एक बड़ा इशारा जरूर कर रहा है कि अब हार जीत के बाद गुजरात हिमाचल दिल्ली के बाद अब ये निर्णय होना शुरू हो गए हैं। आप देखिए वहां के उपाध्यक्ष थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई वीरेंद्र को, और वही अभी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। लेकिन इसके यदि मायने लंबे देखें तो अब हम उसके परिवर्तन के दूसरे स्टेटों में भी देख सकते हैं और इसका असर एक दो चार दिन में दिखाई देगा। ऐसी चर्चा है कि 15 के बाद कई स्टेट में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए मनोज जी। ये बड़ी खबर दिल्ली से, वीरेंद्र सचदेव को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल नियुक्त किया गया है।